पार्टी ईमानदारी से और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है। आप बोलना सीखो, ताव से बोलो, क्या बात करते हो। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे, देखिए जो लोग आ गए मैदान से, संजोग से भेंट हो गई तो मंच से कांचीराम जी की तरह मंचवर से बता देंगे, इसको वोट मत देना, इसको हरवा देना। सही कह रहा हूं, हमें लोग काली मन इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भाषण को बड़ा लच्छेदार मानते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो खबर चैनलों पे चल रही है वो फेक न्यूज है, पूरी तरह से वो विरोधियों की साजिश है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, हम लोग जो केंद्र प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड गरीबों के इलाज के मामले 5 लाख रुपए का हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे सोलर पैनल 75% सब्सिडी पर देने की बात हो, चाहे गरीबों को अनाज देने की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम लोग गांवों तक पहुंचा रहे हैं। जो सरकार की मंशा है केंद्र और प्रदेश की, हम लोग विकास के रास्ते पर जो योजनाएं उसको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। विरोधी परेशान है इस नाते तरह तरह के फेक न्यूज चला चला करके बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और रहेंगे, मिल करके हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जनता के काम को करेंगे।